आप देख रहे हैं रिंग्स चॉइस चैनल, एक ऐसा चैनल जिस पर मिलती है आपको हर रोज पूरे भारत में निकलने वाली नई नई सरकारी नौकरियों की जानकारी, साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और नई नौकरी की जानकारी लेकर जो निकाली गई है। कहाँ पर आप सोच रहे होंगे, ये नौकरी निकाली गई है लखनऊ में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में भर्ती निकाली गई है। बहुत बड़े लेवल की भर्ती है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। काम करने का लोग सपना देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में हमारा मतलब सिलेक्शन हो जाए और हम वहाँ पर जॉब करें, तो बहुत बेहतरीन नौकरी है। किस तरह की जॉब है ये, कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे होगा सिलेक्शन और क्या है पूरा प्रोसेस, सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरे भारत में निकलने वाली हर एक नौकरी की जानकारी तो आपको मिलती ही रहे हर रोज़, साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो आपके फ़ायदे से जुड़ी है। आइए बात करते हैं, ये निकाली गई है भर्ती प्रोजेक्ट फेलो की भर्ती है ये, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ NBMO। तो यहाँ देख सकते हैं क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, नंबर ऑफ फेलोशिप, एक भर्ती निकाली गई है जूनियर रिसर्च फेलो की JRF की। तो आप ये ना सोचिए कि एक ही भर्ती है, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करते हैं क्या पता ये नौकरी आप ही की किस्मत में हो, आप ही को मिलने वाली हो, आप ही का इंतज़ार कर रही हो ये भर्ती। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भर्तियाँ इतनी कम है या एक भर्ती है तो कितने लोग आएंगे, पता नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा, तो नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले ही आप हार मान लेंगे तो जीतेंगे कैसे, जीतने के लिए तो पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। इसी तरह से नौकरी पाने के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की है, 3 साल का ये प्रोजेक्ट है जिसमें भर्ती की जाएगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो MSc इन फिज़िक्स होना चाहिए, प्रेफरेबली स्पेशलाइजेशन इन न्यूक्लियर फिजिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स के साथ, और इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है नेट क्लियर किया हो आपने और गेट क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो नेट क्लियर किया हो या फिर गेट क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट है फेलोशिप का 16,000 रुपये पर मंथ, जो कि कंसोलिडेटेड है फॉर कैंडिडेट्स विद नेट, एंड ₹14,000 पर मंथ कंसोलिडेट फॉर कैंडिडेट्स विदाउट नेट विल बी पेड। नेट क्लियर किया है उन्होंने तो उनको कितना दिया जाएगा और विदाउट नेट के कितना दिया जाएगा, ये सब इसमें बताया गया है। उम्र की अगर बात करें तो 28 साल से कम उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। द मैक्सिमम एज फॉर JRF प्रोजेक्ट फेलो इज़ 28 साल, JRF वालों के लिए 28 साल है, विच में भी रिलैक्स टू रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसमें और भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि TA/DA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू होगा इसमें आपका, द पोजिशन इज़ प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस है, ये जॉब कोई परमानेंट बेसिस पर नहीं है। तो बहुत ही अच्छी नौकरी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द अबव कंडीशंस, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, मे सेंड दर एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर पर अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं अपने बायोडाटा के साथ, अपने मार्क्स की स्टेटमेंट के साथ, एक्सपीरियंस अगर आपको है तो एक्सपीरियंस के साथ, एंड ऑल टेस्टिमोनियल्स। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ 226007, इंडिया। यहाँ पर आपको भेजना है बाय पोस्ट भेज दीजिए या फिर एन अटैचमेंट विया ईमेल भेज दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है vinod2.k2@gmail.com, इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 20 मई 2019 से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ईमेल कर सकते हैं या फिर इस एड्रेस पर भेज सकते हैं, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट या तो एड्रेस पे भेज दीजिए। अगर आपको लगता है मेल करना ज़्यादा सही रहेगा तो मेल कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से। अगर आप ये नौकरी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई कर दीजिए, अगर ये नौकरी आपकी किस्मत में है तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों अप्लाई ज़रूर कर दिए, ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स जो इसके लिए अप्लाई करते हैं, मैं चाहूँगी कि उन्हें ये नौकरी ज़रूर मिले। और इस भर्ती को अगर आपको लगता है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो जितने भी आपके दोस्त हैं ना उन तक इसकी जानकारी पहुँचा दीजिए। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता आप की वजह से किसी को नौकरी मिल जाए, फिर जब आपका टाइम आएगा तो आपसे भी कोई इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में कोई तो होगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा, किसी को तो ये नौकरी मिल जाएगी आपकी वजह से। तो
वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, लाइक करना भी ज़रूरी है। आपके एक लाइक से मुझे खुशी मिल जाती है दोस्तों, आपको सिर्फ एक लाइक करना है, मुझे खुशी मिलेगी क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आती हूँ, तो लाइक करना तो ज़रूरी है। आप वीडियो देख लेते हैं, आपको अच्छी लगती है जानकारी, फिर भी आप लाइक नहीं करते तो मुझे थोड़ा सा दुख तो होता है ना कि भाई इतनी मेहनत से मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, लाइक भी नहीं किया आपने, तो लाइक ज़रूर करें। और वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है फ्री में आपको पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी, साथ ही ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। कुछ पूछना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में या अन्य किसी भर्ती के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और नौकरियों की जानकारी साथ ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी रिंग्स चॉइस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।